बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पहली एक्सरसाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक, और 6 to 10 मैंने आपको करने के लिए दिए गए थे, पर किसी ने कोई डाउट तो पूछा ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ये भी नहीं है। तो ठीक है, आप लोग जब भी डाउट होंगे तब पूछ लेना। अभी फ़िलहाल मैं उसमें 10th क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है तो वो मैं करा ही देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ए लैडर 5 meter लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 cm/s, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 meter अवे फ्रॉम द वॉल। देखो जरा, सपोज दिस इज द वॉल, ठीक है बच्चों, ये वॉल है और ये कोई लैडर है इस पर जो इसके अकॉर्डिंग इस पर मूव करती है। अगर मैं ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जो है लैडर से, सपोज इसे एक्स मान लेता हूँ और इसे वाई, और ये मुझे दी है कितनी, 5 meter लॉन्ग लैडर, तो आपको बताया गया है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 cm/s, दिस इज द डिस्टेंस, वी हैव गिवन डी एक्स अपॉन डी टी इज 2 cm/s, और आपसे पूछा डी वाई अपॉन डी टी कितना होगा। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से इसे देखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 पाइथागोरस से, इसे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया 2x प्लस विद रेस्पेक्ट टू टी, टी की रेस्पेक्ट करो तो 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 0। dx बाई डी टी कितना दिया बच्चों, 2, तो ये हो गया 2x इंटू 2 प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 0। dy अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाती है -4x अपॉन 2y और -2x अपॉन y। इन्होंने आपसे पूछा है क्या, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 meter अवे फ्रॉम द वॉल, व्हेन द फुट ऑफ लैडर, दिस इज द फुट ऑफ लैडर, व्हेन दिस इज 4, व्हेन एक्स इज 4, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम वाई इज 3। तो डी वाई अपॉन डी टी आपका हो गया कितना, एक्स 4 माइनस 2 इंटू 4 वाई 3, इट मीन्स -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस किसे बताता है बच्चों, डिक्रीज होने को, तो डी वाई अपॉन डी टी जो है वो डिक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 8/3 cm/s। सो द हाइट ऑन द वॉल, सो द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, एट द रेट ऑफ 8/3 cm/s, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस कर्व, पार्टिकल इस कर्व पर मूव करता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। देखो क्या पूछते हैं,
क्वेश्चन 11 ये लिया हो। ये पार्टिकल मूव अलोंग दिस कर्व 6y = x³+2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज द एक्स कोऑर्डिनेट। y coordinate changing the rate of change of y with respect to t dy upon dt is given 8 into dx upon dt it is given find the point आपने पता ना करो को point तो इसे मैं differentiate अगर करता हूँ differentiate with respect to t तो ये बन गया 6 dy upon dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt। dy अपॉन dt की वैल्यू अगर मैं इसमें रख देता हूं बच्चों 8 dx अपॉन dt तो 6 × 8 dx अपॉन dt इक्वल टू 3x² dx अपॉन dt। देखो dx अपॉन dt कैंसिल हो गया तो यहां से हो गया 48 इक्वल टू 3x² सो x² इज व्हाट 16 और x इज व्हाट ±4 एज पर द कर्व तो आपके पास था 6y = x³+2 व्हेन x इज 4 y निकाल लीजिए 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 64, so y is 11 and when x is −4 y is what तो एक पॉइंट तो बच्चों हो गया 4, 11 when x is −4 6y is −64+2 −64+2 means −62 तो y is −62/6 और यू कैन से 31/3 तो एक पॉइंट हो सकता है आपका −4, −31/3 तो ये दो पॉइंट आपके बच्चों आ जाते हैं उस कर्व पे जिनके लिए उसने वो दिया था क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 8 times एज द x कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन 12 देखो द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s। अब एयर बबल की रेडियस अगर आप मान लीजिए r समझते हैं तो dr/dt इज 1/2 cm/s। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 cm। एयर बबल किस फॉर्म में होता है बच्चों स्फेरिकल शेप में। देखिए बारवा इफ आर इज द रेडियस ऑफ एयर बबल देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dr/dt इज गिवन 1/2 cm/s। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ एयर बबल वी इक्वल टू आप जानते ना स्फीयर का वॉल्यूम क्या 4/3 πr³। तो आपसे पूछा dv/dt हाउ मच 4/3 πr³ का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट 3r² dr/dt। dr/dt हमें बच्चों गिवन है 1/2 तो 4/3 πr³ × 1/2 तो 3 कैंसिल हो जाता है 2×2 = 4 2r² इन्होंने कहा क्या व्हेन द रेडियस इज 1 cm व्हेन आर इज 1 cm dv/dt इज व्हाट 2 cm³/s।
हाँ बच्चों, 2 सेंटीमीटर क्यूब, इसका देखो पाई हमारा छूट गया ऊपर, तो 2 पाई था ये, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, 13। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, देखो बैलून है, स्फीयर की शेप में है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2, 2x+1, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बैलून, कितना हुआ बच्चों, 3/2 × 2x+1। तो रेडियस बता सकते हैं ना, मान लो आर कह देता हूं तो 3/4 × 2x+1, ये हो गया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन में पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वॉल्यूम ऑफ बैलून वी इक्वल टू 4/3 πr³, जो स्फीयर का वॉल्यूम है, आर की वैल्यू आप यहां से ले सकते हैं, तो वी इक्वल टू 4/3 × π भी है, और ये हो गया 3/4 × 2x+1 का होल क्यूब। अब आप देखिए v इक्वल टू हाउ मच, एक 3 मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहां से, और एक 4 भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये हो गया 9/16 π × 2x+1 का होल क्यूब। अब आप देखो, आपसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x, यू हैव टू फाइंड dv/dx, 9/16 π, इसे t मान लो बच्चों, तो t क्यूब का कितना, 3t², तो 3 × 2x+1 का होल स्क्वायर, और t का करूंगा तो कितना, 2, तो ये हो गया 27/8, 2 8 16 π × 2x+1 का होल स्क्वायर। और कुछ दिया इसने इसमें, नहीं, बस इतना ही तो है। ठीक है बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरीके से करते जाएंगे, एक क्वेश्चन में आज आपको और करा देता हूं। 14th, देखो बच्चों, क्वेश्चन 14 है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³/s, द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 cm, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 cm। आपको दिया क्या, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। पहली बात तो ये है बच्चों कि इसमें जो फॉलिंग सैंड है वो किसकी फॉर्म में है, कोन की, ये कोन की फॉर्म होगी, ये इसकी मैंने हाइट अगर मान लेता हूँ और रेडियस कितनी आर, तो कोन का वॉल्यूम जानते हैं, वी इक्वल टू 1/3 πr²h, याद है आपके। और इसमें इसने कहा द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस, हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस, इट मीन्स आर इक्वल टू 6h, आर की वैल्यू में यहाँ 6h लिख दूं बच्चों, तो 1/3 π 6h का होल स्क्वायर इंटू h, 36, 3 से उसे सिंप्लीफाई करूं तो 12 π h³, दिस इज द वी, वॉल्यूम ऑफ कोन इन टर्म्स ऑफ एच, डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो dv/dt कितना है, हो गया बच्चों यहां से 12 π h³ का टी की रेस्पेक्ट, 3h² dh/dt, बोलो, तो ये हो गया 12 × 3 = 36 π h² dh/dt, dv/dt हमें क्वेश्चन में बच्चों दिया था, dv/dt गिवन है पहले से ही, कितना 12
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप यहाँ वैल्यू रखिए, दिस इज 12 इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी। डी एच अपॉन डी टी हमसे निकलवाया, ये निकल गया बच्चों 12 अपॉन 36 पाई एच स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द हाइट ऑफ कोन विद रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन एच इज 4 सेंटीमीटर। एच गिवन है बच्चों कितना, 4 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 12 अपॉन 36 पाई इंटू 4 इंटू 4, 4 3 या 12, 3 से इसे काट दूंगा तो कितना हो गया 12 4 जा 48, तो 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। अब आप इससे ना एक दो क्वेश्चन वो कर लेना 15 और 16, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज दिस वन, आपसे पूछी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब इसमें होगा बच्चों डी सी अपॉन डी एक्स, ऐसे ही इसमें आपसे पूछा है क्या मार्जिनल रेवेन्यू, तो वो होगा डी आर अपॉन डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर देना दोनों को एक्स के रेस्पेक्ट, आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसके कर लेना, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, नहीं तो फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।